साफ साफ सुनना चाहते हैं तो जाके मारिया से ही पूछे ना। फहद उसको काफी अरसे से ब्लैकमेल कर रहा है। क्या ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ, उसने बेचारी मारिया को डरा धमका के खुद से मिलने के लिए बुलाया। इतनी टेंस हालत में भी खुलकर बात नहीं की। अगर वार रेहान ना आता तो फिर तुम यकीनन फंस जाते। मुबारक, आप दादी बनने वाली। होना क्या है, आपका बेटा आपके हाथों से फिसल जाएगा और ये सारी जायदाद, ये सारी मालो दौलत उनके बेटे और मारिया की हो जाएगी। खुदा गारत करे उस जमाल को, क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का। अंबर, अंबर बेटा आंखें खोलो, मेरा बच्चा आंखें खोल। अंबर बेटा आंखें खोलो, मुझसे बात तो करो बेटा। अंबर, अंबर बेटा आंखें खोलो, बेटा अंबर आंखें खोलो, मेरा बच्चा। बेटा हौसला करो, सब्र करो बेटा। क्या कसूर था मेरा जो इतनी बेरुखी के साथ उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। आप ही वो आपके लाएगी नहीं था, आप बस हौसला रखिए और अच्छा सोचे। अल्लाह कहता है ना कि तुम कोशिश करो और नतीजा मुझ पे छोड़ दो। हमने तो पूरी कोशिश की ना। आप ही पानी पिए, पानी पिए। पानी पिए उसने तो मेरी एक बात तक भी नहीं सुनी, मुझे कुछ कहने का भी मौका नहीं दिया। बेटा, बेटा मेरे बस में होता तो तुम्हें ये दुख ना झेलना पड़ता, लेकिन हम सब कमजोर है बेटा, बहुत कमजोर। तकदीर का लिखा झेलना पड़ता है बेटा, झेलना पड़ता है। पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो मेरा बच्चा, थोड़ा सा पानी पियो। फ्रिज कब से साफ नहीं किया हुआ? काफी दिन हो गए, अभी कर देता हूँ। हर 3 दिन बाद फ्रिज साफ होता है, ये बेसिक है जी मैडम। और ये जो कोश रखा हुआ है आप लोगों ने फ्रिज में, ये कब से पड़ा हुआ है फ्रिज में? 2-3 हफ्ते हो गए। तो 3 हफ्ते, आप एक काम करें, आप फ्रिज बंद करके सारा फ्रिज साफ करें और जाते हुए कोश में अपने घर नहीं जाएंगे। जी मैडम, ले जाऊंगा। बात सुनो, अपने काम से ना तुम काम रखो, समझ में आई है? तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे हाइजीन का ख्याल नहीं है? जहाँ तक इस गोश्त का सवाल रहा ना, तो ये खास तौर पर इस घर के लिए आता है, आम बाजार में ये मिलता ही नहीं है, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है इसे। जी बीबी जी। क्या बीबी जी, इस घर की असल मैडम मैं हूँ। तुम्हारे आने से पहले भी ना इस घर का निजाम बहुत अच्छे से चल रहा था और तुम्हारे बगैर भी चलता रहेगा। ऐसी क्या बैठी हैं? कोई बात तो करें, अगर रोना आ रहा है तो प्लीज खुलकर रो लें। बेटा चुप क्यों हो, कोई बात तो करो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे तुम्हें अकेला छोड़ दे? अम्मी आप अपनी नींद की टैबलेट लाएं, आप गोली खाकर सो जाएं। सिर्फ नींद अब आपको सुकून दे सकती है, जो होना था वो हो गया, सिर्फ वक्त ये जख्मीदा रहेगा। वापस जागी से क्या हकीकत बदल जाएगी? आपको बदलना होगा, और मुझे यकीन है आप इतनी कमजोर नहीं है कि इतनी आसानी से हार मान लें। इतनी कमजोर नहीं, लेकिन वे इतनी मजबूत भी नहीं। क्या हुआ है बेटा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। आप आंखें बंद करके लेट जाएं, और अगर कोई भी फजूल ख्याल आए तो प्लीज अपना ध्यान बदल लेना। अम्मी,
ध्यान बदलने से किस्मत थोड़ी बदलती है। सब ठीक हो जाएगा, चल तुम सोने की कोशिश करो, लेट जा मेरा बेटा। क्या कर रही हो ये? कुछ नहीं, साफ सफाई कर रही हूँ। पहली बार देखा है मैंने ऐसे छींटे मार के सफाई करते हुए। हाँ गीले थे ना तो बेदेहानी में हो गया। आप ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए? हाँ वो काम जल्दी खत्म हो गया था, सोचा जल्दी आकर नूर के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, क्योंकि मैं जब तक आता हूँ तो वो सो रही होती है और सुबह मैं नींद में होता हूँ। सही है, तो है चाय बनाऊँ आपके लिए? हाँ बना दो, मैं ज़रा नूर से मिल लूँ और फिर फ्रेशन अप होके ना तुम्हें भी डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, तुम तैयार हो जाना। अच्छा अगर तावीज चल गए तो सबसे पहले इस नूर का बंदोबस्त करवा दो। शहजादी माला अपनी गुड़िया से बहुत मोहब्बत करती थी, वो जब भी कहीं जाती गुड़िया को साथ ले जाती थी। दादी गुड़िया का नेम क्या था? उसकी गुड़िया का नाम था नूर। अच्छा एक दिन क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज मेरी नूरी बहुत प्यारी लग रही है। बिल्कुल शरारी बना है जैसी। मैं इसे शहजादी माला की कहानी सुना रही थी। शहजादी माला तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। सच में? सच में, तो दुनिया की सबसे प्यारी परी हो। अच्छा अभी आप बैठो, मामा तैयार हो जाए तो हैं आप और मामा घूमने चलते हैं। ओके ओके चल। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। जिन माओ के बेटे से तुम रो जाते हैं कैसी हो सकती है? दादी आपने भी क्या बोला? कुछ भी नहीं बेटा, दादी तो बस सब अपनी परी से ही बातें करती है, क्योंकि कोई रहा ही नहीं है जिससे मैं बात करूं। अरे जिस सोई तो सुनाना पे क्या हुआ? हाँ आओ। फिर एक दिन बहू हम सोच रहे हैं एक दो दिन में ना बाजार जाएंगे और वहाँ से बहुत सारे मुख्तलिफ मेवाजात लेकर आएंगे। वो क्यों अम्मी? अरे तुम्हारे लिए और किसके लिए, अब तुम ना ताकतवर गजाएं शुरू कर दो ताकि आने वाला मेहमान खूब सेहतमंद हो। अब क्यों इतनी फिक्र करती है, मैं बहुत अच्छे तरीके से अपना ख्याल रख रही हूँ। अरे कहाँ ख्याल रखती हूँ, अगर ख्याल रखती होती ना तो असद मियाँ तुम्हें हमारे हवाले करके जाते। अब जैसा जैसा हम कहेंगे ना उसी पे ही तुम्हें अमल करना होगा बहू। ठीक है आप जैसा कहेंगी मैं आपकी बात सुनूंगी। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? वो जो हम डॉक्टर के पास गए थे उन्होंने जो आपको सारी दवाइयाँ दी थी उससे आपको असर हो रहा है या नहीं?
भाई हाँ माशाल्लाह से देखो तो हम बिल्कुल फिट हो गए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रूम में क्या था, तुम वहाँ थे नहीं? मैं यहाँ हूँ। कैसी तबीयत है आपकी अम्मी? हाँ यही तो अभी हम कह रहे थे तुम्हारी बीवी से कि हम तो बिल्कुल ठीक हो गए, ना ही हमें सुस्ती है ना हमारा दिल घबराता है। डॉक्टर ने तो कमाल ही कर दिया भाई। तजर्बे की अपनी कीमत होती है अम्मी, जरूरी नहीं कि भारी नाम का इलाज में भी भारी असर। और ठीक है, एक मुझे छोड़कर बाकी खानदान में कैसे खुशियां फूट रही हैं, देख लो ये केक को। असद मियां सच बताए ना, तो हमारी बहू ने तो हमारा दिल जीत लिया। वही बहुत ही समझदार और मोहब्बत करने वाली लड़की है। मुझे ही सब आपकी दुआएं हैं। जैसी मैं आपकी मिलू ना, आप उससे ज्यादा बढ़कर मेरी नहीं है, जानती हैं आप ये बात? भैया मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप दोनों एक दूसरे की तारीफों में लगे हुए हैं, ये थोड़ी ज्यादती वाली बात। अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमारे बेटे को भी टाइम दो भाई, बातें करो। आजकल खामोश रहने लगी है, कोई बात है तो कहूं? कुछ कहूंगी तो आप नाराज हो जाएंगे, इससे बेहतर है खामोश ही रहूं। यार मैं तुमसे कहां नाराज होता हूं, जो भी बात है दिल में साफ साफ कहो। ठीक है तो फिर सुने, शाम में मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था, बहुत दिल कर रहा था चाय पीने का लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि किचन में जाके गर्मी में अपने लिए चाय बनाऊं। पर आपकी अम्मी ने अपने लिए चाय बनाई और मुझे पूछा तक नहीं, बात छोटी सी है लेकिन बात एहसास की है। मैं उनका कितना ख्याल करती हूँ, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि कम से कम दुख दर्द बीमारी में ही मुझे पूछ लें? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अम्मी ऐसा कर सकते। तो फिर पूछ ले जाकर, बल्कि अभी पूछें, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरे मसलों पे उनसे बात करनी चाहिए। अच्छा मैं करूंगा बात उनसे। इसीलिए मैं कुछ नहीं कहती, खामोश रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है आपने मेरे हक में आवाज उठानी है ही नहीं। आप दोनों ने तो बस मुझे मशीन समझ रखा है। बहुत मसल्स बन गए तुम्हारे, इधर आओ सामने फिर। क्या बताते हैं, देखो भारी कितना बड़ा हो गया हमारा फमी है। हाँ आप देखे ना, वो देखे इसकी तो मूंछें भी आ गई है। हाँ, सच में? और नहीं तो क्या, दूर से भी नजर आती हैं। उस दिन तुम्हारी क्लास वाले यही तो बात कर रहे थे। मामू आप मुझे एक स्पोर्ट्स बाइक दिला दे। ये किया ना आपने बात। तुम फर्स्ट आ जाओ मैं तुम्हें हवाई जहाज लेके दूंगा। दिखो बड़ी खुशियां मनाई जा रही भाई। हाँ तुम अपने पहलवान की बातें सुनो जरा, तो शायद तुम्हें भी हंसी आ जाए। आपके कहने का मतलब है कि मैं बदमिजाज हूं? तो भाई बे, अरे तुमसे तो दिन ब दिन बात करना मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा इंकसार को तुमने किन जिम्मेदारियों में फंसा दिया? वक्त देखो क्या हो गया, अभी तक वो घर नहीं आए हैं। आजकल काम थोड़ा ज्यादा है, आ जाएगा। तो यही तो कह रही हूँ, उसके काम का बोझ कुछ कम करो ना, ये ना हो कि उसको कोई नर्वस ब्रेकडाउन ही हो जाए। ये क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम? भाई मर्द आदमी है, अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेगा तो कुछ नहीं होगा। कसम खुदा की, इसे बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ ना तुम्हारा है, मैं बता रही हूँ। तो क्या करूँ, आगे बढ़ने से रोक दो उसे? नहीं रोको मत, लेकिन यूं इतनी आजादी भी तो मत दो ना कि बंदा हाथ से ही निकल जाए हमारे। थोड़ा सा तो खा ले, ऐसे रखा रखा ठंडा हो रहा है।
दिन नहीं जा रहा मेरा, जब भूख लगेगी तो खा लूंगी। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है जो ना काम हो, हमें दुख देती हो, और जब हम खुश हो तो हमसे सारी खुशियां छीन लेती। मायूस मत हो, अभी आपकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, हो सकता है आने वाले दिन आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाए। नहीं नज़र, मैं मजीद खुद को इस खूबसूरत फरेब में नहीं रख सकती। वो जैसी मामूली लड़की जिसको तलाक मिल गई हो, उसका फ्यूचर सिर्फ तबाही लाता है और कुछ नहीं। मेरी तो ये दुआ है कि मैं रात को सो और सुबह उठ हुई ना। खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना करें, आप मेरा दिल छोटा कर रही हैं। अम्मा अब्बा का सोचें, अभी तो आपने उनका सहारा बनना है, मैं तो चंद दिनों के लिए इधर हूँ, फिर तो आप ही ने उनके साथ रहना है ना। ठीक कहा तुमने, मुझे यहीं रहना है, अब मेरी कोई जिंदगी नहीं। ऐसा क्यों कह रही हैं? तलाक से मतलब ये नहीं होता कि इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए, इंसान किसी भी वक्त अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकता है। हर कोई इतना अच्छा नसीब लेके पैदा नहीं होता ना से, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। संदीपू, सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट, वक्त देखा है कितना हो गया। हाँ बाबा, अंदाजा है मुझे, वो साइट विजिट था, फिर वापसी में सुपर हाईवे पे काफी ट्रैफिक मिला, तू बस लेट हो गया, मुझे लगा था तुम सो गई होगी। कोशिश तो बहुत की थी लेकिन सोच सोच के परेशान थी कि तुम कहाँ और किसके साथ हो। बहुत भूख लगी है मुझे, खाना लगा था। जिसके साथ घूमने गए थे उसने खाना नहीं खिलाया तुम्हें? किसके साथ था? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो? अपने कलीग्स के साथ था ऑफिस के, और किसके साथ हूँगा? एक तो आराम से बात कर, शरीफों का घर है, रातों को आवाजें नहीं गूंजती हैं। शरीफों से ज्यादा पागलों का घर लगता है मुझे ये, यहाँ पर बात बात पे झगड़ने की वजह ढूंढी जाती है। नहीं, मैंने आपको कोई नौकर नहीं दिया। मत करें माफी, आप ही उठे। आप ख्वाब में डर गई थी। ये ले, थोड़ा सा पानी पिए। सॉरी नज़र, मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ ना। आप मुझे परेशान करें, ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल मत सोचें। आज आप किसी मुश्किल में हैं तो मैं आपके साथ हूँ, कल खुदा ना खास्ता मैं किसी उलझन में होगी तो आप भी तो मेरा साथ देंगी, यही तो फैमिली बॉन्डिंग होती है ना। शादी के बाद ना शोहर का घर और बच्चे ही असली फैमिली होते हैं। मुझे लगता है मैं तुम्हारी फैमिली का क्या, मैं तो अब्बा की फैमिली का भी हिस्सा नहीं रही। प्लीज़ आप ही ऐसी डिप्रेशन की बातें ना करें, और प्लीज़ रोना तो बंद करें। क्या करूं, रोऊं ही ना।
अच्छा चलें, आप एक दफ़ा दिल खोल कर रो लें, अपने दिल का सारा गबार निकाल लें, मगर फिर इसके बाद आपकी आंख में एक आंसू नहीं आना चाहिए किसी कमज़र्फ के लिए। चलें पानी पिए। इंकसार और अर्जित को बुला लें, आज फैसला वो कर रहेगा। इस बात का फैसला? अरे बात क्या हुई, कुछ बताओगी? तलाक लेगी आज आपकी बेबी। और मुझे रेहान को बताने की धमकी मत दें, वरना खुलकर खेलना भी मुझे आता है। बेबी नाश्ता तो दे दो। क्यों मारिया नहीं उठी? नहीं, वो बहुत गहरी नींद में थी इसलिए उसे उठाया नहीं मैंने। लो, इस तरह तो उसकी आदतें बिगड़ जाएंगी। अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं, और फिर तुम्हें तो पता है कि जाना लगवाती हूँ नाश्ता पी। अश्चुत, देखिए अगर आज मेरी आंख में एक खुली तो एटलीस्ट आप तो मुझे उठा सकते थे ना। ये तो बहुत बुरी बात है ना। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए नाश्ता लगवा देती हूँ, ठीक है? इट्स ओके, बेबी लगवा रही। ये बेबी बच्ची को क्यों कहा है? ये मेरा काम है। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो मैंने अपने भाई के लिए नाश्ते का बोल दिया? तुम बीवी हो तो मैं भी अकलौती बहन हूँ अपने भाई की, क्यों अपने भाई के लिए नाश्ता नहीं बनवा सकती मैं? चलो नाश्ता लग रहा है तो मुंह धो फिर मिलके। इनके साथ चला गया? हम्म, मैं तो 9 बजे ही चला गया था। बेबी, जैसे मारिया मेरा ख्याल रखती है वैसे ही तुम्हें इनके साथ का ख्याल रखना चाहिए। पहले तो तुम लोग नाश्ता वगैरह इकट्ठे कर ही लिया करते, अब तो कई दिनों से देख रहा हूँ मैं बिल्कुल ही अलग अलग हो गए। अच्छा, ताली ना एक हाथ से नहीं बचती। अब अगर हालात बदल गए तो इनका सार भी है कसूरवार। तुम तो उनके साथ ही होते हो, तुम ही उनके काम का थोड़ा बोझ बांट लो ताकि अपनी बीवी बच्चों को कोई टाइम दे। अच्छा कुछ करता हूँ, परेशान मत। मिस्टर फू की टीम ने हमारे प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिए। यस यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, व्हाट अचीवमेंट और क्या इन्वेस्टमेंट दिया, अमेजिंग, जबरदस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इनके साथ। इंडीड इट इज, इट इज। हेलो जी, क्या हुआ? क्या? मैं आ रही हूँ, मैं बस आ रही। क्या हुआ? टेरी बाथरूम में फिसल गए, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ। सॉरी फाइन यार, एक मिनट।
डॉक्टर साहब जी, सब पापा की तबीयत कैसी है? वो सीरियस तो नहीं है ना? देखिए सीरियस थी, उनकी फिजिकल कंडीशन बहुत खराब है और हादसे की वजह से उनको बहुत ब्लीडिंग हुई है। तो मतलब मेरा मतलब है तो अब क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं उनको मेडिसिन से रिकवर करने की, लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी और उनका ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव, जो कि वैसे ही बहुत मुश्किल से मिलते हैं और इत्तेफाक हमारे ब्लड बैंक में भी अवेलेबल नहीं है। मैं समझ सकती हूँ डॉक्टर साहब, प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं ब्लड अरेंज करने की कोशिश करती हूँ। देखिए आप परेशान ना हो, हमने भी अपने ब्लड बैंक में रिक्वेजिशन डाल दिए, होपफुली इंशाल्लाह जल्दी अरेंज हो जाएगा, आप लोग परेशान ना हो। हाँ बोलो। मैम एक बड़ी खबर है, मुझे यकीन है कि इस बार आप मुझे इनाम जरूर देंगी। क्या बड़ी खबर? मैम आज जब मैं नताशा मैम के रूम में गया तो मैंने देखा सर उनका हाथ थामे खड़े थे। हे? नताशा मैम थोड़ी सी परेशान थी और फिर वो जल्दी से वहां से चली गई। तो बात यहां तक चली गई। अब बताए मैम आगे क्या हुक्म है? नजर रखो उन दोनों पर, तुम इनाम मिल जाएगा तुम्हारा तुम्हें। ठीक है मैम, शुक्रिया। बात तुम बहुत ही सीरियस हो। अम्मी, 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 क्या हो गया? तुम दबाओ यहां से, दबाओ जाओ। अम्मी इनकसार और इज्जत को बुला ले, आज फैसला हो कर रहेगा। इस बात का फैसला? अरे बात क्या हुई, कुछ बताओगी? तलाक लेगी आज आपकी बेबी। इनकसार जैसे धोखेबाज के साथ ना एक दिन मजीद और नहीं गुजारूंगी मैं, नहीं कर सकती है अब। ऐसा क्या हो गया? ऑफिस ना तफरी करने जाता है वो। किसने बताया तुम्हें? वो ऑफिस का जो। हाँ बताओ। अरे किसी ने नहीं बताया, जो मैं कह रही हूँ वो नहीं सुन रही, तफ्तीशी ऑफिसर की तरह सवाल पे सवाल किए जाने चाह रही हूँ मुझसे। पानी वानी पियो, बैठ जाओ। नहीं बिना पानी, जिंदगी खराब हो। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इनसे ब्लड नहीं अरेंज हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो सारा प्रॉब्लम है, पापा का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। अब ए बी नेगेटिव तो रेयर ब्लड ग्रुप टाइप है ना, तुम परेशान क्यों हो रही? मेरा रेयर है। आओ आओ ना, आओ चल, आओ। एक डॉक्टर की दवाई क्या लग गई, यहां तो जैसे शादियां नहीं बचने लगी। इलाज तो मेरे पास भी है इस डॉक्टर का। अम्मी साथ, अगर आज ये कोइंसिडेंस नहीं होता तो पता नहीं पापा। उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे पापा बिल्कुल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और अब परेशान ना हो, ठीक है?
मैं तुम्हारा ये फेवर कभी नहीं भूलूंगी। हाँ वो मैं तुम्हें भूलने में नहीं। चल लेट्स गो। हेलो हाउ आर यू? I'm good, आप कि क्या आप ऑफिस से जल्दी वापस आ गए हैं? बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी ऑफिस में, इसलिए रहा ही नहीं गया, घर आ गया। क्या आप तो मुझे भी आपकी बहुत आ रही थी। असल में मुझे आपसे ना एक काम था। बोलो। नहीं वो असल में मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि जब उनके एग्जाम्स फिनिश हो जाएंगे तो मैं उनके लिए कुछ बुक्स और गिफ्ट्स लूंगी, तो अगर आपके पास टाइम हो तो क्या हम जाके कुछ खरीद सकते हैं? अब तुम्हारी ऐसी बातों पे कोई कैसे इनकार कर सकता है? अच्छा आप चेंज कर लें, मैं खाना लगवाती हूँ। फाकफू आफाद, क्या कर रहे हो स्टिल माइग्रेंट वर्कर्स का? तलाश जारी है, उनको ढूंढना इतना आसान नहीं है, पर हमारे मुल्क में कभी भी इतनी जदीद टेक्नोलॉजी पे काम नहीं हुआ। फिर क्या सोचा तुमने, क्या करना है? एक स्किल्ड वर्कर है, उससे मेरी बात हुई है, लेकिन वो आजकल छुट्टियों पे इस्लामाबाद है। वो जैसे ही आता है मैं उसको कॉन्टेक्ट करता हूँ। देख लो जो भी है हमें हर हाल में प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, हमारी प्रेस्टीज का सवाल नहीं है। ओके मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, कीप मी पोस्टेड, बाय। कितनी बार का इस डॉल से मत खेला करो, समझ नहीं आती बातों में। सॉरी मामा। सॉरी की बच्ची, चलो अभी स्टोर में बंद करती हूँ तुम्हें, चलो। लो मेरी बेटी, खैर तुम अपनी नफरत में ये मत भूलो तुम्हारी सगी बहन की औलाद है। अगर अब तुमने नूर के साथ कुछ बुरा किया तो मैं रेहान को बताने में देर नहीं करूंगी। जानती हूँ आग तो आपको लगा नहीं है, चलो इसी बहाने सही। चुप कर जाओ रीबा, तुम अपनी हद से आगे ही आगे बढ़ चुकी हो, और ये छुप छुप के खेलना बंद करो। क्यों अपना घर बर्बाद कर रही हो? बस मैं अब आपको अपनी जिंदगी के मजीद फैसले नहीं करने दूंगी, और मुझे रेहान को बताने की धमकी मत दें, वरना खुलकर खेलना भी मुझे आता है। अरे तुम भी चली जाती बच्चों और असद मियां के साथ? हाँ चली जाती, उनका सार ने तो मेरी जिंदगी हराम करके रख दी है। क्या हो गया है? अबे भी तुम्हारे मसले नहीं खत्म होते। इनका सार मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, उल्टा आप मुझे डांट रही हैं। हो क्या गया है, अचानक मैं इतनी बुरी क्यों लगने लगी हूँ आपको? नहीं बेटा नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई, हम तो बस यही बात कर रहे थे। अच्छा बताओ क्या हो ना? क्या है, इंकसार के असिस्टेंट का फोन आया था मेरे, पूछ रहा था इंकसार का क्योंकि जरूरी मीटिंग करनी थी उससे। कह रहा था कि इंकसार नताशा के साथ निकला था कहीं बाहर, अभी तक वापस नहीं आया, ऊपर से फोन भी बंद है। ला एक तो उस कमबख्त मारी नताशा की फिक्र में ना तुम अपनी जान खाम खाम में जला रही हो। खाम खाम में क्या हो, क्या गया है आपको? मैं बीवी हूँ इंकसार की, इसके रंग रंग से वाकिफ हूँ मैं, जरूर इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। आ जाने दे, आज फैसला हो कर रहेगा। अरे अरे
कैसा फैसला? पागल हो गई हो? कुछ लोगों की बेहिसी और ढिटाई दूर करने के लिए ना बनना पड़ता है पागल। इतनी बड़ी हो गई हो, बचपने की बातें नहीं छोड़ी तुमने। अरे शौहर के ऊपर बिला वजह का शक और गुस्सा नहीं करते, मर्द जात है, उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। खुदा ना खास्ता कल कला कुछ हो गया तो रोती रहोगी। रोएगा वो, मेरे भाई का मुलाजिम है, मैं क्यों बबू उससे। क्यों आए हो? ताल्लुक क्या है इस घर से तुम्हारा? चले जाओ यहां से, क्योंकि मेरा ताल्लुक तुमसे अब खत्म हो चुका है। बेबी, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था, क्यों गुस्सा कर रही हो? क्या हो गया? क्यों इतना शोर कर रही हो? बस करो, खत्म करो, बात अब बहुत बढ़ गई है। इसलिए अब इस घर में या मैं रहूंगी या ये रहेगा। पागल हो गई हो क्या? हो गई हूँ पागल में, हाँ हो गई हूँ। बेटा बस करो। अरे हम समझाते हैं ना इसे, अब मैं किसी की नहीं समझूंगी। और तुम ये हरगिज मत समझना कि इस दफा मैं तुम्हारे करतूतों पर चुप रहूंगी। शोहर हूँ तुम्हारा, तमीज से बात करो मुझसे। तुम मैंने ये बताओ तुम थे कहाँ? क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इस घटिया आदमी से खुद पूछो तुम। बदतमीजी मत करो बेबी। चुप रहो और इस लहजे में आइंदा बात मत करना मुझसे, समझे? अर्जुन इसे फौरन तुम जॉब से निकालो। ये तुम्हारा और मेरा आपस का मामला है, इज्जत को बीच में क्यों ला रही हो? इंकसार, ये बेबी मेरी फैमिली है और मेरी अकलौती बहन, प्लीज इस तरह सख्ती से बात मत। ठीक है, नहीं करूंगा यार। लेकिन तुम इसको समझाओ, इसका दिमाग सही करो। घर में घुसता नहीं हो तो मुझसे लड़ना शुरू हो जाती है, मेरी भी बस हो गई है, बर्दाश्त की हद होती है। मेरी भी बर्दाश्त अब खत्म हो गई है। अपना जाती सामान समेटो, निकलो यहाँ से। मम्मा लड़ाई मत करे ना। अगर अच्छत के सहारे का सोच रहे हो, समझ जाओ बीबी अपने फैसले खुद लेती है। ठीक है। मामा मत जाना। जाने दो इन्हें। अगर ये इस घर से जाएगा बेबी, तो तुम भी इसके साथ जाओगी। तुम दोनों मियाँ बीबी साथ रहकर अपनी गलतफहमियां दूर करोगे। क्या कहा तुमने? हाँ मैं इस घर से जाऊंगी। बस इसी बात की कसर रह गई थी। सारी जिंदगी तुम्हारी नेक कुर्बानियां देके तुम्हें इस काबिल बनाया और तुम किसी गैर के लिए मुझे अपने घर से निकाल रहे हो। गैर कौन? ये शौहर है तुम्हारा। हाँ तो इससे भी तो पूछो ना, क्यों पागल हो रही हूँ, क्यों लड़ रही हूँ? हाँ सारी बुराइयां सबको बेबी में ही नजर आती है। चली जाऊंगी घर छोड़ के, रह लूंगी इस दारुल अमान में। क्या कह रही हो बेबी? मैं झगड़ा खत्म करने के लिए कह रहा हूँ। मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ था। सुनो, ऑफिस में दिन में नताशा के घर से फोन आया कि उसके वाले साहब गिर गए और बेचारी की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है। तो हम लोग भागे भागे अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि मेरा और उनका ब्लड ग्रुप एक है। खून दे रहा था, एक इंसान की जान बचा रहा था, नेकी का काम कर रहा था। लेकिन तुम्हें तो हर वक्त तमाशा बनाना होता है बात का। चलो बेटा कर रहे मैं। इतना नेक काम कर रहा था वो, और तुम उस पर इस तरह के गलत इल्जामात लगा रही हो। जब हंगामा करती हो हमेशा आखिर में कसूर तुम्हारा निकलता है। बदलो खुद को वरना बहुत बुरा हो सकता है। ये अफसोस की बात है। एक ना एक दिन इस इंकसार की उल्टी सीधी हरकत है ना, सबके सामने साबित करके रहूंगी।